हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तीन वीडियो लेके आई हूँ, हालांकि एक ही टाइप के हैं, लेकिन मैं चाहती थी अलग अलग पार्ट पे लेके आऊँ, क्योंकि ऐसा लेंदी वीडियो करने का मेरा कोई वो नहीं रहता, इसलिए मैं सोची छोटा छोटा वीडियो लेके आते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है बैंगल, इसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल देने वाली हूँ कि ये कैसा है, कितने का है, कहाँ से मैंने इसको परचेज किया है। तो मैं आपको कुछ सजेशन भी दूंगी और मैं आपको बताऊंगी भी, और मैं आपको कुछ स्क्रीन शॉट भी दूंगी ताकि आपको समझ में आए कि मैं कितने का इसको सोची थी और मैं ये कितने का बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ये बैंगल का। तो ये जो बैंगल है, मैं पहनी थी इसको करवा चौथ पे, मैं सोची इसका वीडियो बना देती हूँ ताकि कमेंट आएगा कि कहाँ से परचेस किया है, कैसा है, क्या है, तो मैं सोची इसका प्रॉपर से वीडियो बनाया जाए। तो ये जो बैंगल है ना, बहुत ही अमेजिंग है देखने में। ये जो आपको सेंटर में जो दिख रहा है ना, ये वेलवेट का जो कांच वाला जो आता है ना, वो वाला वेलवेट है। इसमें मेरे पास जो मेटल वाला आता है वो भी था, लेकिन वो उतना उभर नहीं रहा था, तो मैं सोची ये जो कांच वाला है वही डालते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट की हूँ इसके साथ, तब जाके ये मिला है मुझे, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि इसको बनाने का रीज़न क्या था। तो सबसे पहले है ये, आई नो ऐसा चूड़ा आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी पंजाबी चूड़ा में ऐसे ही सेट हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि देखा हुआ होगा। तो मैं उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं ये चूड़ी बनाई हूँ, जितना भी सेट है अपने अपने हिसाब से बनाई हूँ। अलग अलग जगह जा जाके अलग कुछ कुछ चीज़ें मैंने बाहर से मंगवाई, कुछ कुछ चीज़ें मैं खुद का है, कुछ कुछ चीज़ें लोकल मार्केट का है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। मैं मार्केट गई करवा चौथ, मेरा जो लहंगा था वो आ गया था एक महीना पहले। मैं पहले से ही तैयारी करती थी, क्योंकि रिटर्न पॉलिसी के लिए भी मैं टाइम देना चाहती थी, इसलिए मैं पहले ही मंगा ली थी। तो मैं सोची अब बैंगल के लिए भी चलते हैं, क्योंकि जब जाते हैं, जब पास आता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ मच जाता है मार्केट में, फिर उसके बाद जो भी अच्छा चीज़ रहता है वो चला जाता है, फिर जब हम लास्ट में जाते हैं तो बचा कुछ हुआ माल लेके आना पड़ता है। इसलिए मैं गई थी 20 से 25 दिन पहले बैंगल के लिए। तो जब मैं गई ना, तो क्या हुआ, ये जो बैंगल का जो सेट है ऐसे ही हूबहू, थोड़ा सा उसमें जो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पंजाबी चूड़ा का मेरे पास जो रखा हुआ था, इसके बदले में स्टोन वाला कुछ चूड़िया था, कांच का ही रहा होगा, याद नहीं मेरे को कि प्लास्टिक का था पता नहीं, वो वही बस मिला था। और बीच में वेलवेट का लाइट पिंक कलर का, क्योंकि ये मेरा जो दुपट्टा है ना लाइट पिंक कलर का है, इसलिए मैं लाइट पिंक डलवाना चाहती थी इसमें, ताकि थोड़ा सा कंट्रास्ट में हो ऐसे करके। तो ये जो चूड़िया था उसमें पिंक कलर का था, बाकी हूबहू सेम ऐसे ही था, और उसका प्राइस था 24 से 25 का रेंज। अब मैं नहीं चाहती थी कि मेरा जो लहंगा है उस रेट पे आप ये जो बैंगल है उसको दे रहे हो, तब तो ये कहीं अच्छा बात तो नहीं है ना। तो इसलिए मैं सोची कि अभी मैं सोची कि भैया तुम तो रहने दो, मैं घर जाती हूँ, फिर सोचती हूँ। मैं पता नहीं, मैं कुछ भी चीज़ देखती हूँ ना, जब दिल आ जाता है ना मैं खरीद लेती हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे दिल से आवाज़ आए कि नहीं, इतना चूड़ी के लिए इतना ज़्यादा खर्च कर मैं तो नहीं कर सकती, अगर आप कर सकते तो ठीक है, लेकिन मैं इतना बैंगल के लिए इतना ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं कर सकती। तो मैं गई घर में, बहुत सोची दो दिन तक से, मैं बहुत ज़्यादा सोची, बहुत ज़्यादा सोची दो दिन तक से, दो दिन तक से मैं क्या करूँ, फिर से चले जाऊँ खरीदने के लिए। फिर मैं सोची ये जो सिंगल है, ये वाला जो एडी का जो कड़ा होता है, ये मैं खरीद देती हूँ। फिर मैं गई दोबारा, फिर से मैं वही शॉप पे गई, तो वहाँ पर बोले कि ये आपको 850 या 900 ऐसे कुछ पड़ेगा, दो पीस का 850 से 900 पड़ेगा, 800 भी पड़ेगा तो 8 × 2 = 1600 हो जाता, और 900 भी पड़ता तो 1800 हो जाता, चार पीस का। फिर मैं बोली 1800 ना देके मैं करती हूँ मीशो से शॉपिंग। तो मैं मीशो में ये वाला कड़ा मैं सर्च की, पहले मैं इसको अमेजोन में देखी तो इसका भी रेट 1100-1200 के आसपास था, तो फिर मैं सोची कि रहने देते कुछ दूसरा ट्राई करते। फिर मैं इसको मीशो पे सर्च की, तो मीशो पे ये था, तो 650 उस दिन सेल चल रहा था, तो 650 था, तो मैं चार पीस मंगा ली थी 1200 का। हाँ, 1200 का मंगाई, ये तो मेरे को मिल गया। और ये वाला जो वेलवेट वाला बैंगल है ये ऑलरेडी मेरे पास था, और ये वाला बैंगल है ये भी मेरे पास ऑलरेडी था, और ये वाला जो है पंजाबी चूड़ा का जो कड़ा का जो बीच बीच पे लगता है, जो मैं स्टार्टिंग में शादी के समय पर खरीदी थी वही था। तो ये वाला जो चूड़ा था ये मैं डाल ली, तो ये सब मेरे पास था, बस मैं इसको परचेज की हूँ, बाकी सेम वैसे ही बन गया। अभी मैं 2400-2500 खर्च करती, उससे अच्छा 1300 में 1200 में मेरा काम चल गया। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं
कुछ इस तरह से बनाना, तो आप घर पे ही बना सकते हैं। मार्केट में जाएंगे ना, इतना ज्यादा लाइटिंग रहता है, इतना ज्यादा ऊपर में लाइटिंग रहता है ना, कि आपको कोई भी खराब से खराब चूड़ी बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। जब आप घर लाते ना तो बहुत ही अजीब सा लगता है देखने पे। तो इसलिए मैं इसको घर पे बनाई, और बनने के बाद इतना ज्यादा ब्यूटीफुल लगा ना। ये जो पंजाबी चूड़ा जैसे अभी चलता है, रेड रहता है ऐसा ही रहता है सेम, तो वैसे उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं ऐसा सेट बनाई थी, जो बहुत ही खुल के आया, उभर के आया, कॉम्प्लीमेंट भी मिला और सब पूछे कि कहाँ का है, कैसा है। मैं बोली बस मैं ये दो कड़ा लेके आई हूँ, बाकी सब मेरे घर का ही है। तो मेरा बस यही रीज़न था बताने का कि आपके पास जो है जैसे है, आप उसी से ही मिक्स एंड मैच करके बनाइए। आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, मार्केट हर चीज़ के लिए मार्केट जाने का जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो एक दो कड़ा परचेज कर सकते हैं, उसको मिक्स एंड मैच कीजिए। ऐसे नहीं बोल रही कि जो आपके पास है उसी को रीयूज कीजिए, एक दो कड़ा आप उसमें का उसमें, उसमें का उसमें, ऐसे करके कीजिए। तो दोनों मिला के कुछ इस तरह से बना गाइस। तो ये बहुत 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 प्रिटी लग रहा है। आपको कैसा लगा ये जो कड़ा है, प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिएगा। और ये मेरा जो जुगाड़ है वो कैसे लगा एक बार बताइएगा। तो आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा जो भी नया अपडेट वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, धन्यवाद।